दोस्तों आलिया भट्ट और रणवीर सिंह फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने इस फिल्म पर रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप का ठप्पा लगा दिया है। और दोस्तों करण जौहर की ये डायरेक्टेड पहली फिल्म होगी जब लोगों ने इसको ट्रेलर देखने के बाद ही फ्लॉप करार साबित कर दिया है। लेकिन आखिर लोगों ने इस मूवी को रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप करार क्यों किया है, चलिए आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है और इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर हैं और करण एक बार फिर लव स्टोरी के साथ फैमिली ड्रामा लेकर आ रहे हैं और फिल्म का ट्रेलर आने के बाद फैंस इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और कईयों ने तो फिल्म के फ्लॉप होने का कारण भी बता दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म इसी महीने 28 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। देखिए सामने आए इस ट्रेलर में ज्यादातर फैंस को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री खास पसंद नहीं आई, साथ ही फैंस को आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जबरदस्त ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आए और फैंस को दोनों का ही अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और कुछ का कहना है कि दोनों की जोड़ी साथ में नहीं जम रही है। दोस्तों साथ ही कहा जा रहा है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की स्टोरी काफी हद तक साउथ फिल्म पुवेल्लम केतु पर से मिलती जुलती है और फैंस को ये बात खटक रही है और कईयों को तो फिल्म की कहानी खास दमदार नहीं लगी क्योंकि करण जौहर ने फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट ली है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है और फिल्म में आलिया भट्ट रणवीर सिंह के अलावा जया बच्चन शबाना आजमी धर्मेंद्र तोता राय चौधरी शाश्वत चटर्जी करमवीर चौधरी रोनित रॉय श्रद्धा आर्या अर्जुन बिजलानी भारती सिंह हर्ष लिम्बियाचिया श्रुति झा आमिर बशीर सहित बहुत सारे सुपरस्टार शामिल हैं। और दोस्तों रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर को देखकर कई फैंस का कहना है कि इसमें स्टार कास्ट एक दूसरे पर चिल्ला ज्यादा रहे हैं और एक्टिंग कम कर रहे हैं और वो ठीक से डायलॉग भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को करण जौहर ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने तकरीबन 7 साल बाद डायरेक्टर की कुर्सी संभाली है। उन्होंने आखिरी बार 2016 में आई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को डायरेक्ट किया था। अब देखना होगा कि करण जौहर की ये डायरेक्ट हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या फिर औंधे मुंह गिरती है, ये दोस्तों हमको बहुत जल्द इसी महीने पता लग ही जाएगा। बाकी दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद आपकी राय क्या है इस मूवी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।